सभी दीदी को मेरा नमस्कार। मैं इस वीडियो मीटिंग में सभी दीदी को मैं स्वागत करती हूँ। ये गांव की जीविका से ही दीदी है। आज कुछ वीडियो मीटिंग में साफ सफाई, व्यक्तिगत साफ सफाई और स्वास्थ्य के प्रशिक्षण देने के लिए कुछ बात करेगी। सभी दीदी को प्रणाम। मेरा नाम गीतांजलि कुमारी है। मैं आप ही के गाँव में CNC सेंटर पर जीविका सहेली के रूप में काम करती हूँ। और मैं स्वच्छता दिवस के अवसर पर मैं व्यक्तिगत तौर पर साफ सफाई के बारे में कल सुबह 10 बजे जानकारी दूंगी, कुछ बताऊंगी। इसलिए हमारी आपसे मतलब कि प्रार्थना है कि आप लोग जितने भी धात्री हैं और जो गर्भवती हैं महिलाएं, कल अपने बच्चों के और अपने आप 10 बजे CNC सेंटर पर आइएगा। उससे क्या होगा दीदी? उससे साफ सफाई से जो आजकल बीमारी बच्चों में बीमारियां हो रही हैं उसका खतरा बहुत कम रहता है। मैं तो अपने बच्चों को टीकाकरण कराती हूँ, फिर क्यों बीमार पड़ेंगे? टीकाकरण के साथ साथ अगल बगल की साफ सफाई, अपनी सफाई, बच्चे की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। और हमारी प्रार्थना है कि कल सुबह 10 बजे और अच्छी जानकारी देने के लिए मैं और दूंगी। इसलिए कल जितने भी धात्री माँ हैं, गर्भवती माँ हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि कल CNC सेंटर पर लेके जरूर आएंगे और आने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है दीदी, कल हम सभी महिलाओं को ये सूचना दे देंगे और सभी को साथ में लेकर आएंगे। गीतांजलि दीदी यहाँ आइए। हम लोग आ गए। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। और सब कैसे हैं दीदी? ठीक है दीदी। ठीक है सब? हाँ, बाल बच्चे सब कुछ ठीक है दीदी? ठीक है। अब क्या जानते हैं दीदी कि आपको यहाँ हम क्यों बुलाए हैं? हाँ दीदी, आज स्वच्छता दिवस है, यहाँ आने के लिए धन्यवाद दीदी। आज स्वच्छता दिवस है दीदी, आज इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हाँ हाँ दीदी, हमारी स्वच्छता हमारे जीवन का एक खास पहलू है, जरूरी पहलू है। इसलिए हमारा अपना सफाई, बाल बच्चे का सफाई, आसपास खाना बनाने का जगह का सफाई, उसके बर्तन की सफाई, पीने के पानी की सफाई और वातावरण भी हमारे जो साफ सुथरा होना चाहिए, पानी का जमकाव नहीं होना चाहिए, ये सब पर ध्यान देंगे तो हमारा जो बीमारी है, हमारे बच्चे का, हमारी बीमारी, उस पर हम लोग नियंत्रण रख सकते हैं। सफाई नहीं रखने से क्या क्या बीमारी हो सकता है दीदी? हाँ दीदी, आपका भी प्रश्न सही है। सफाई नहीं रखने से हमारे मतलब कि ढेर सारी बीमारियां उपज सकती है, जैसे कि हैजा हो गया, पीलिया हो गया, डायरिया हो गया। अगर इसको समय रहते अगर इलाज नहीं किए तो समझिए कि इससे मृत्यु भी हो सकती है। हाँ हाँ दीदी, साफ सफाई रहना बहुत जरूरी है दीदी। जरूरी है दीदी, व्यक्तिगत तौर पर सबसे पहले साफ सफाई में हाथ धोकर खाना चाहिए। उसका आपको बताएगी रसोईया दीदी को प्रशिक्षण दिया हुआ है, वो आपको बताएंगी कि कैसे हाथ धोना चाहिए। उसके बाद रसोईया दीदी आइए यहाँ। ये रसोईया दीदी हैं, दीदी आप सभी जानते हैं? हाँ दीदी जानते हैं। इनको जीविका के द्वारा साफ सफाई से प्रशिक्षण मिल चुका है, ये आपको हाथ धोने के तरीका बताएंगे। ठीक है दीदी, चलिए दीदी चल। सबसे पहले दीदी बाल्टी को पीछे कर लेंगे ताकि इसमें हाथ धोने से गंदा पानी इसमें ना जाए। उसके बाद सबसे पहले हाथों पर ऐसे पानी लीजिए, हाथों को अच्छी तरह भींगा लीजिए। उसके बाद हम लोग साबुन को लेंगे और उसे अपने हाथों में लगाएंगे और उसे इस तरह से खूब पहले झाग बनाएंगे। अब देखिए ये झाग बन गया दीदी। उसके बाद फिर हम हाथों के
बीच के सफाई के लिए ऐसे हाथों की उंगलियां जहां से मुड़ती हैं मोड़ लेंगे और बीच की सफाई करेंगे। उसके बाद पीछे की सफाई के लिए पीछे हाथों में साबुन लगाएंगे और ऐसे ऐसे उंगलियों को अच्छी तरह से साफ करेंगे। फिर दीदी देखिए बीच की सफाई के लिए हम लोग हाथों को ऐसे ऐसे साफ करेंगे, ठीक है, अच्छा, एक हाथ में फिर ऐसे ही दूसरे हाथ में, इससे हमारे बीच की सफाई होगी। उसके बाद अंगूठे की सफाई के लिए हम लोग अंगूठे को दोनों हाथ के इस तरह से ऐसे साफ करेंगे, ये हमारे अंगूठे की सफाई होगी। उसके बाद पीछे के इस भाग की सफाई के लिए भी हम लोग इसको ऐसे 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 खुरच के अच्छी तरह से साफ करेंगे। उसके बाद पीछे के सब उंगलियों को भी इस तरह से हम लोग साफ कर लेंगे, ठीक है, दोनों हाथों को। अब देखिए हमारा हाथ साफ हो गया। अब इसे हम फिर से साफ पानी द्वारा अच्छी तरह से साबुन का अंश धो लेंगे। उसके बाद दीदी हम लोग साबुन को साफ पानी से धो के अच्छी जगह रख देंगे और हाथ धोते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पानी में साबुन वाला पानी और गंदे हाथ का पानी ना जाए। अच्छा दीदी, ठीक है, ठीक। हाथ धोना ही काफ़ी नहीं है दीदी, हाथ धोने के बाद साफ तौलिए से हाथों को सुखाना भी चाहिए, ये भी सफाई का एक नियम है। हाथों को धोने के बाद तौलिए से साफ करने से हाथ पूरी तरह से स्वच्छ हो जाते हैं। अच्छा ठीक है दीदी, हाथ धोने से क्या फ़ायदा है दीदी? हाथ धोने से देखिए दीदी, हाथ अगर गंदा रहेगा तो हमारे देह शरीर में जाएगा। जैसे कि देखिए हाथ धोना, खाना है तो हम हाथ से खाएंगे, और बनाना है तो हाथ से बनाते हैं। अगर गंदा रहेगा तो हमारे शरीर में जाएगा, खाना के द्वारा जाएगा। हाँ दीदी, चाहे सब्जी काट खाना बना रहे हैं तो सब्जी खाना में जाएगा, वही खाना फिर खाएंगे तो हमारे अंदर जाएगा, ठीक जाएगा, तो उससे हमारा तो बीमारी होगा ही। हाँ, इसलिए यही सब आदत अच्छे से हाथ धोना अपने बच्चों को भी सिखाएं और परिवार को भी सिखाएं। ठीक है दीदी। देखिए दीदी, जितना सिर्फ हाथ की सफाई ही नहीं जरूरी है, उसके साथ साथ हमारे और अपने पूरे शरीर को, जैसे कि पूरे जैसा कपड़ा में, जैसे कि रगड़ थोड़ा सा, ये नहीं कि जैसे एक लोटा पानी उझल लिए नहा लिए, जैसा हाथ हुआ, पैर हुआ, पूरे गला उला हुआ, मुंह वगैरह हुआ, सबको जैसा कपड़ा से रगड़ नहाना चाहिए। और बाल को भी धोना चाहिए, बाल को भी अच्छी तरह से धोना चाहिए। और कंघी भी डेली करें, रोज टाइम निकाल कर कंघी भी कर लिया करें, सब लोग सुन रहे हैं ना। हाँ, और बच्चे के भी, ये नहीं कि सिर्फ आपको कह रहे हैं, बच्चे हुए आपके, खास करके बच्चे आपके बच्चे हैं और भी परिवार हैं, जितने घर में आपके बहन है, दीदी है, जो भी है, सबको कहिए कि जरा अच्छा सा साफ सफाई करके नहाए, बाल का कंघी करें और हाथ सब साफ सुथरा रखें। ठीक है, ठीक है दीदी, ठीक ठीक ठीक। देखिए दीदी, इतना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ मंजन, सुबह उठकर ब्रश मंजन जो भी उपलब्ध हो, दातुन उपलब्ध हो या ब्रश मंजन, उसको मुंह धोना चाहिए। और मुंह ब्रश के साथ साथ जीभ भी, क्योंकि हमें जीभ भी साफ करना होता है, ठीक है, और फिर नाखून को काटते रहना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, क्योंकि नाखून में ही सारा गंदगी रहता है, जमता है और खाना के द्वारा हमारे पेट में जा सकता है, इसलिए नाखून को हमेशा काटा, जितना छोटा रख सके। ठीक है, ठीक है दीदी। शौचालय जाना है, ठीक है, जाइए। अरे रुकिए, क्या हुआ दीदी? जरा अपना पैर तो देखिए। क्या हुआ दीदी मेरा पैर? ओके, आप बगैर चप्पल के शौचालय जा रहे थे, तो शौचालय बगैर चप्पल के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शौचालय में छोटे छोटे बहुत कीड़े होते हैं जो हमारे पैरों द्वारा हमारे शरीर में भी पहुंच सकते हैं, जो बीमारियां पैदा कर सकती है। इसलिए भी कभी भी शौचालय बगैर चप्पल का नहीं जाइएगा, समझे ना? ठीक है दीदी। हाँ ठीक, और सभी परिवार को भी। ठीक ठीक। अच्छा दीदी, आपको हम बात बताते हैं, एक सफाई का जो याद, ऐसे आप लोग भूल जाते हैं कि कब कब हम लोग को हाथ धोना, इसलिए हम एक बता देते हैं, हाथ कब कब धोना चाहिए, खाना खाने के पहले, और बच्चों को खिलाने के पहले, खाना बनाने के पहले, और परोसने के पहले, और अच्छा से रगड़ के साबुन से धोइएगा। अच्छा। और बच्चे के शौच कराने के पहले, बाद मतलब,
और जानवर को जो शौच उठाते हैं फेंकते हैं जो भी कहिए जो साफ करते हैं गौशाला उसके बाद फिर भी अच्छे से नाखून वगैरह सब साफ कर लिए। ठीक है दीदी, ठीक ठीक और खुद शौच करने के बाद भी ठीक है दीदी, ठीक ठीक है दीदी, ठीक। ये तो हो गई आप लोग को दीदी व्यक्तिगत साफ सफाई। अब आपको हम पीने के पानी को कैसे ढककर रखना चाहिए, किस चीज़ से निकालना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। चलिए ठीक है दीदी, बताइए। चलिए आपको पीने के पानी के बारे में बताती हूँ। हाँ, पहले पानी को ऊंचे पीने वाला पानी है जो ऊंचाई पर रखिए कुछ टूल वगैरह पर। अच्छा, ठीक समझे ना। हाँ। उसको ढक कर रखिए जैसे अच्छा, कि ढक है ढक कर रखिए और हमेशा ये जो डंटी लगा हुआ जो भी इसको बोले मग बोले या जो भी लगे इससे ही पानी डंटी लगा हुआ बर्तन इससे पानी इसको उभारिए इससे निकालिए और जो उसमें लेना है उसमें ढारिए। ठीक ठीक। और हर सुबह इसको मतलब जो पानी बचा उसको सुबह में फेंक दीजिए और बर्तन को धो धाकर अच्छी से फिर सुबह ताजी पानी भरिए और फिर यूज करने के बाद इसको ढक दीजिए इसको मतलब पानी निकालने के बाद इसको ढक दीजिए और फिर इसको रख दीजिए अच्छी जगह से। समझे ना आप लोग, समझ गए थे, समझ गए। ठीक है, ये तो बताएं आपको कि पानी का रख रखाव अब लेकिन कहाँ से लाते हैं इसका भी हमें सोचना है किस जगह से ला रहे हैं। उसके बगल में हमें मतलब कि गबड़ा जमा हुआ पानी नहीं होना चाहिए और अथी जैसे कि नली का भी वहाँ पर ही मतलब निकास नहीं होना चाहिए। हाँ, और गंदा पानी वहाँ का जमाव उवाव नहीं होना चाहिए और नाली का भी निकास वहाँ पर नहीं होना चाहिए जहाँ से हमें पानी लेना चाहिए। और जानवर के भी जो है जानवर का जो पीने का है उसे भी अलग हमको रखना चाहिए। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। और जैसे आप लोग को जैसे शंका हो कि हमारी पानी जो गंदी आ रही है तो थोड़ा सा अधिकारी को भी आप सूचित कर सकते हैं और जैसे कि हमारे गांव स्तर पर जैसे कि पानी को साफ करने के लिए फिटकरी डाल के भी साफ कर सकते हैं और जैसे जैसे सहजन सहजन इसको क्या कहते हैं मुनगा मुनगा के बीच जान देखते हैं आप लोग देखे हैं दीदी आप लोग उसको भी पानी में डालिएगा तो पानी साफ हो जाता है जिसको स्वच्छ कह सकते हैं। अच्छा ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, आप लोग समझे इतना समझ गए। ठीक है दीदी, ये तो बात होगी पीने की बात पानी की। ठीक दीदी, आप चलिए खाना बनाने की बताते हैं मतलब कि साफ सफाई क्या होती है ये आपको रसोईया दीदी बताएंगी। ठीक है चलिए, बताइए दीदी। खाना बनाने से पहले हमें चूल्हे के आसपास चूल्हे को अच्छी तरह से झाड़ लेना चाहिए और उसके अगल पूरा पूरा साफ जैसे झाड़ पूरा से झाड़ उड़ के और बानी छाई जो भी है हटा लेना चाहिए और साफ सुथरा करना चाहिए। ठीक है दीदी। और खाना बनाने के पहले हाथ को साबुन हो या राख हो उसे धो लेना चाहिए और बर्तन को भी और जो चिलोही होता है आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते उसको भी साफ कीजिए। ठीक है, ठीक हम लोग साफ करते हैं दीदी। हाँ ठीक, साफ कीजिएगा। मक्खी से बचाने के लिए खाना को ढक कर रखना चाहिए ढक्कन से ताकि मक्खी ना लगे। ये जो गिरा हुआ है ना दीदी इसको उसमें मत डालिएगा, इसको बाहर फेंक दीजिएगा। ठीक ना, नीचे हुए गिरे हुए सामान को नहीं उठाना चाहिए। ठीक है। और फल को भी पहले मतलब यूज कर देने से पहले उसको अच्छी तरह पानी से धो ले और जो छीलने का सामान हो उसे छील कर खाएं। ठीक है ना दीदी, आप गर्भवती है ना दीदी। हाँ दी। आपको हम एक जरूरी बात बताते हैं। हाँ क्या दीदी। जैसे तो हम लोग व्यक्तिगत तौर पर साफ सफाई हो गया, पीने का पानी हो गया, हाथ का सफाई हो गया, खाना का सफाई हो गया। हाँ दी। और बाल उल वगैरह का सबका सफाई हो गया। अब है जो दूध पिलाइएगा उसकी सफाई, स्तन सफाई। तो दूध पिलाने के पहले आगे का जो हिस्सा है उसे पानी से धो लीजिएगा, अब पिलाने के बाद भी धो लीजिएगा। ठीक ना दीदी, सभी दीदी समझे क्योंकि सभी दीदी के घर में है बच्चे। हाँ दीदी सुनिए एक महत्वपूर्ण बात, जैसे कि आप घर में घर में बेटी होगी, बहू है या खुद आप लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, जैसे सब में एनसी जैसे इसको चाहे महावारी कहते हैं, कुछ भी जो कह सकते हैं एनसी महावारी, तो उस समय हम लोग को मतलब यूज करना चाहिए पैड। जैसे कि पैड आता है बाजार में या आशा के पास भी से ले सकते हैं ना, तो फिर सूती कपड़ा। और सूती कपड़ा को भी अगर मतलब कि साफ होना चाहिए ना कि गंदा तंदा होना, उससे इन्फेक्शन मतलब कि बीमारी का भी बहुत बचदानी के अंदर उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर पैड का यूज करते हैं तो उसको हर 4 से 6 घंटे पर बदलते रहिए, इससे मतलब उससे जो बीमारी होती है
संक्रमण की बीमारी उसे कहते हैं, संक्रमण नहीं हो सकता है। और सूती कपड़े का अगर दोबारा यूज करते हैं तो उसको धोकर अच्छी तरह साफ साबुन वगैरह जो भी उपलब्ध हो और उसको सुखा कर यूज कीजिए। और गुप्त अंगों की सफाई, गुप्त अंग मतलब आप समझते हैं उसकी साफ सफाई उस टाइम में सिर्फ एमसी के टाइम में अच्छे से करें, बहुत जरूरी है। ठीक दीदी, आप लोग अपने भी और बेटी को भी ठीक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जो आपने हमें स्वास्थ्य के संबंध में इतनी सारी जानकारी दी। डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है कि आपकी बताई हुई बातों को हम अपने जिंदगी में लाएं और सदा स्वस्थ रहें। धन्यवाद दीदी आपको भी हमारे समय देने के लिए। और हम आपके गांव में ही हैं, और अगर कुछ ज़रूरत हो या किसी को कुछ दिक्कत हो, कुछ मतलब मालूम करना हो तो हमको बुला सकते हैं, आप कभी भी आ सकते हैं, आप पूछना हो तो जाकर भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद दीदी।